हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे टाइल्स और मार्बल के डिफरेंस के बारे में। जब भी आप अपने घर में या बाथरूम में, किचन में एंट्री करते होंगे, तो आपके मन में ये सवाल जरूर पैदा होता होगा कि मार्बल है या टाइल्स है, और आप इन दोनों के बीच में कभी कभी कन्फ्यूज भी हो जाते होंगे। तो मैं आज आपके कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आया हूँ। मैं उन दोनों के डिफरेंस के बारे में बताऊंगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, बिकॉज ये आपको जानना इसलिए भी जरूरी है कि जब आप रूम में इंटर करते हैं, फ्लोर आर वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स दैट मेक एन इम्पैक्ट। तो हम लोग इसको अलग अलग पॉइंट पे हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। फर्स्ट वील टॉक अबाउट द प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी में यदि टाइल्स का बात करें तो ये मैन मेड होता है, नॉन एब्जॉर्बेंट टू एनी लिक्विड, स्टेन रेजिस्टेंस भी होता है, एंड नॉट अफेक्टेड बाई एनी एसिड और एल्कली। एंड वहीं हम मार्बल की प्रॉपर्टी का बात करें तो एक नेचुरल स्टोन है, पोरस इन नेचर, प्रोन टू एब्जॉर्प्शन ऑफ लिक्विड, इट इज अफेक्टेड बाई एसिड और एल्कली। यदि हम लोग ड्यूरेबिलिटी का बात करें तो टाइल्स जो होता है, टू बी हैंडल विथ केयर टू अवॉइड ब्रेकेज, लास्ट लॉन्ग अनलेस डैमेज और ब्रोकन। एंड इफ यू टॉक अबाउट द मार्बल, तो मार्बल ड्यूरेबिलिटी ऑफ द मार्बल इज टॉलरेंट सब्सटेंस इफ पॉलिश्ड वेल एट रेगुलर इंटरवल। एंड इफ यू टॉक अबाउट द स्टाइल एंड लुक्स ऑफ द टाइल्स, दैट इज मेड विथ सुपीरियर फिनिशेस, बोथ ग्लॉसी एंड मैट, आई कैचिंग कलर्स एंड डिजाइन दैट मेक एन आर्टी इम्पैक्ट। सो इफ यू टॉक अबाउट द स्टाइल्स ऑफ द मार्बल लुकिंग, सो इट्स गिव रॉयल लुक, सुपीरियर एंड डेकोरेटिव अपीयरेंस। इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए स्टाइल सिंबल। इफ यू कंपेयर टाइल्स एंड मार्बल ऑन द बेसिस ऑफ द कॉस्ट, देन इट इज अवेलेबल इन ऑल प्राइसेज रेंज टू सूट एवरी बजट एंड कॉस्ट इफेक्टिव, दैट इज टाइल्स। एंड मार्बल आर टू बी कट, ग्रिंड एंड पॉलिश्ड एज पर साइजेस एंड रिक्वायर, एंड इट इज ऑल्सो कॉस्टली कंपेयर टू द टाइल्स। एंड इफ यू टॉक अबाउट द इंस्टॉलेशन प्रोसेस, द इंस्टॉलेशन ऑफ द टाइल्स तो कैन बी बॉट रेडीमेड एंड इंस्टॉल इंस्टेंटली, एंड ऑल्सो लो ऑन बोथ कॉस्ट एंड इंस्टॉलेशन टाइम। एंड इफ यू टॉक अबाउट द मार्बल, इंस्टॉलेशन ऑफ द मार्बल, द लेइंग ऑफ द मार्बल स्लैब्स आर टाइम कंज्यूमिंग एंड ऑल्सो ए कॉस्टली प्रोसेस। एंड यदि हम लोग बात करें केयर और मेंटेनेंस का, तो केयर एंड मेंटेनेंस में जो लिक्विड का है, तो रेजिस्टेंट टू एनी लिक्विड एंड कैन बी वाइप्ड ऑफ इजिली। आप यदि मार्बल का बात करें केयर एंड मेंटेनेंस का, तो ये आपका फ्लोरिंग जो होता है रेगुलरली, आप इसको थोड़ा पानी दे के साफ कर सकते हैं, या माइट डिटर्जेंट भी दे के यदि कोई इसमें दाग धब्बा लग गया तो उसको आप इजिली हटा सकते हैं, इसीलिए हम लोग इसको किचन में ज़्यादातर यूज करते हैं इसको। और टाइम टू टाइम इसको आप पॉलिश करते रहें तो इसका साइन आप रेगुलर रहेगा, बचा हुआ रहेगा। सो फ्रेंड्स, दीज आर द सम डिफरेंस बिटवीन द टाइल्स एंड मार्बल। सी, बोथ मार्बल एंड टाइल्स कैन बी यूज टू गेट इम्प्रेसिव फ्लोर एंड ऑल्सो टू लुक डेकोरेटिव एंड सुपीरियर। तो हम लोग आज डिस्कस किए मार्बल एंड टाइल्स के डिफरेंस के बारे में। तो आप हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिए, मैं आप लोग के लिए और भी ढेर सारे ऐसे वीडियो लाते रहूँगा। धन्यवाद।